कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा। सलाम अलैकुम भाई और बहनों। मुसलमान जानो माल लगा देते हैं अपनी कौम के लिए, लेकिन हार जाते हैं केवल एक जगह, राजनीति में। आखिर कब तक इस देश का भारतीय मुसलमान अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों पर न्याय पाने के लिए, अपने बच्चों के खींचे हुए हिजाब बचाने के लिए, अपने लोगों को गलत कारण बताकर मॉब लिंचिंग में हत्या करने के बाद, आखिर कब तक इस देश का मुसलमान किसी राजनीतिक नेता के चौखट पर जाकर अपना माथा रगड़ेगा, अपने हक के लिए भीख मांगेगा। आज भारत का मुसलमान दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपने सामने नबी की गुस्ताखी देख रहा है और उन नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहा है जिसको उसने बनाया है। आखिर क्या मजबूरी है कि मुसलमान किसी न किसी राजनेता के तलवे चाटते दिखाई देता है। माफ कीजिए मेरे शब्दों के लिए, लेकिन यह हकीकत है। मैं तमाम भारतीय मुसलमानों से पूछना चाहती हूँ, वो नेता जिनके लिए आप कुर्सियाँ लगाते हैं, जिनको हम अपना सब कुछ मानते हैं, ये उस वक्त कहाँ चले जाते हैं जब अपने नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है? तब कोई नेता, कोई राजनीतिक दल अपने सपोर्ट में आपके साथ क्यों नहीं खड़ा होता? अगर कोई मुसलमान एक आवाज़ भी देख कर कह दे कि इस देश में गलत हो रहा है, हमारे पैगंबर के बारे में गलत बोला जा रहा है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, तो उसे जेल में डाला जाता है। ऐसे ही भगवा चोला पहने बाबा के ऊपर देश भर में FIR हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसीलिए श्रीरामपुर शहर और तालुके के सभी मुस्लिम समाज की ओर से धरने आंदोलन किया जा रहा है। आज यहाँ पे हमने श्रीरामपुर मौलाना आजाद चौक में साखी उपोषण शुरू किया है। हमारी मांगनी ये है कि जो रामगिरी महाराज है, इसने जो अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी की, हम सबसे पहले तो ये महाराज का श्रीरामपुर शहर व तालुका मुस्लिम समाज की तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। और हमारी मांग ये है कि महाराज पर, ये तो महाराज बोलने के लायक नहीं है, क्योंकि ऐसे महाराज किसी के धर्म को नहीं बोल सकते। लेकिन हमारी मांग ये है कि ये महाराज, इस पर बहुत सारी जगहों पर गुनाह दाखिल है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने साखी उपोषण इसके लिए शुरू किया है कि ये इसको जल्द, रामगिरी महाराज को जल्द से जल्द अटक होना। जब तक ये अटक नहीं होगा, जब तक हमारा उपोषण चालू रहेगा। आज हमने साखी उपोषण शुरू किया है, लेकिन जल्द से जल्द हमारे उपोषण की दखल नहीं हुई, तो हम हमारा उपोषण करेंगे। और एक बात कहूँगा कि जो हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री साहब स्टेटमेंट देते हैं कि ये महाराज के बाल को धक्का लग नहीं सकता। हम ऐसे मुख्यमंत्री का भी जाहिर निषेध करते हैं और ऐसी जातिवादी सरकार का भी जाहिर निषेध करते हैं। और हमारे ऑपरेशन की जल्द से जल्द दखल नहीं हुई, तो ये ऑपरेशन हमारा ऑपरेशन में ये किया जाएगा। और इसका जो भी परिणाम होगा, इसके जिम्मेदार सिर्फ महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र पुलिस रहेंगी। और इसके जो समर्थन में जो रैलियां निकाल रहे हैं, इन पर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए। बस इतनी हमारी मांग है। इन सब की वजह आप खुद है, आप कमजोर है, आप निर्भर है किसी नेता की दया पर। अगर उस नेता को दया आई तो ठीक है, नहीं तो करते रहो आंदोलन, करते रहो पुलिस स्टेशन का घेराव, कोई सुनवाई नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर यह हालात क्यों है अपने देश में? आपको भी संविधान ने उतना अधिकार दिया है जो जितना सभी भारतीयों को दिया है, उसके बाद भी ऐसी क्या मजबूरी है कि किसी नेता के आगे झुकना पड़ रहा है आपको? मैं किसी नेता या दल की बात नहीं कर रही हूँ, आप खुद सोचिए आखिर इस देश का मुसलमान क्या चाह रहा है, इसका कारण क्या है आपको पता है? वो आप खुद है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास एक छोटा सा नेता डगमगा कर चला जाता है। आखिर क्यों? आप खुद वो सक्षम लोग हैं जो आपस में अपना रहनुमा बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अपनों में से कोई नेता बनकर आपकी आवाज़ उठाने लगेगा, आप सब मिलकर उसके पैर खींच लेंगे। आपको पता है अपने देश में विपक्ष आपके साथ क्यों खड़ा नहीं होता? उसे पता है कि ये कहा जाएगा, हमारे अलावा इसका कोई नहीं है। ये विश्वास विपक्षी दलों को क्यों है? सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि हमने ही उन्हें विश्वास दिलाया है कि तुम ही हमारे सब कुछ हो।